वेलकम टू मैथिक्सिक्स आईसीसी क्लास टेन चैप्टर सिक्स फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर इलेवन चैप्टर सिक्स फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन में दिया गया है कि सो डैट एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन यानी हमें शो करना है कि जो एक्स माइनस टू है वो इसका क्या है तो फैक्टर है और इसके बाद से क्या करना है तो फैक्ट्राइज करना है उसके बाद से क्या करना है तो हमें लिखा गया है हिंस फैक्टराइज हिंस फैक्टराइज थ्रिक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन को फैक्ट्राइज करना है पहले शो करना है कि ये इसका फैक्टर है और देन जो एक एरिया गया है थ्रिक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन इसको फैक्ट्राइज करना है ठीक है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे तो सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं कि लेट लेट एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन ठीक है तो लिखेंगे पुटिंग एक्स इक्वल टू टू तो एफ़ टू तो पर सबसे पहले फाइंड किया जाएगा तो एफ टू की वैल्यू क्या आ जाएगी तो थ्री इंटू टू का स्क्वायर माइनस टू माइनस टेन तो थ्री इंटू फोर माइनस टू माइनस टेन यानी क्या हो जाएगा ये थ्री फोर ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व ये हो जाएगा ज़ीरो आ गया ज़ीरो तो बाई थोरम एक्स माइनस टू इज द फैक्टर थ्योरम, x ठीक यानी कि ये हो गया कि जो x माइनस टू है वो क्या है एफेक्स का फैक्टर ये सो हो गया ठीक है अब हमें क्या कहा गया है कि हिंस फैक्टराइज देखिए अब आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे सब में क्या करना है तो फैक्टराइज ही करना है तो हमें फैक्टराइज करने के लिए क्या करना होगा तो सबसे पहले हमें एक्स माइनस टू से इसको डिवाइड करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा तो आगे करने करेंगे सबसे पहले हमें एक्स माइनस टू से डिवाइड कर रहा इसको आप यही पर लिखेंगे इसके नीचे लेकिन मेरे पास जगह कम होने की वजह से मैं इसको साइड में लिख रहा हूं ठीक है सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले एक्स माइनस टू से इसको हम डिवाइड कर लेंगे क्या कर लेंगे एक्स माइनस टू से डिवाइड करेंगे ठीक है पहले डिवाइड कैसे करते हैं तो सबसे पहले एक्स से थ्री एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बचेगा थ्री एक्स ये हो गया आपका थ्री एक्स तो थ्री एक्स से अब दोनों टर्म्स में क्या होगा तो मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स तो ये हो जाएगा प्लस एंड ये हो जाएगा माइनस दोनों हो जाएंगे कैंसिल गे प्लस माइनस तो फाइव एक्स माइनस टेन तो फिर दोबारा नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है तो एक्स से फाइव एक्स को डिवाइड करना है तो एक्स से फाइव एक्स कितने बार में डिवाइड होगा तो फाइव टाइम्स में तो प्लस फाइव अब फाइव से दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा तो फाइव एक्स माइनस टेन आ गया ये प्लस एट माइनस दोनों कैंसिल हो गए ठीक है जब हम एक्स माइनस टू से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है जीरो आ रहा है आपका भी रिमाइंडर जीरो आना चाहिए आगे आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर जीरो नहीं आएगा मतलब आपने कुछ ना कुछ गलत किया है ठीक है तो बाई लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाई एक्स माइनस टू वी गेट थ्री एक्स प्लस फाइव एज अ कोसेंट एंड जीरो रिमाइंडर जीरो क्या मिला है तो हमें रिमाइंडर के फॉर्म में जीरो मिला है ठीक है यानी ये हो गया तो अदर फैक्टर ऑफ एफेक्ट्स हो जाएगा अदर फैक्टर ऑफ एफेक्ट्स क्या आ जाएगा तो हो जाएगा थ्री एक्स प्लस फाइव यानी कि जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे जो दिया गया था क्वेश्चन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन तो इसके दो फैक्टर आएंगे पहला फैक्टर तो एक्स माइनस वन दिया ही गया था और दूसरा क्या हो जाएगा तो थ्री एक्स प्लस फाइव हो जाएगा तो ये आपका फैक्टराइज हो गया ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में दिया गया है कि यूजिंग फैक्टर थियरम सो डैट एक्स माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर पहले तो हमें शो करना है कि जो एक्स माइनस टू है वो गिवेन परिणाम का फैक्टर है और देन क्या करना है देन उसको फैक्टराइज करना है ठीक है सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले तो लिखेंगे पुटिंग एक्स इक्वल टू टू इन एफ एक्स तो एफ एक्स क्या दिया गया है? हमारा ये दिया गया है तो एफ टू की वैल्यू क्या हो जाएगी तो टू का पावर थ्री प्लस टू का स्क्वायर माइनस फोर इन टू टू माइनस फोर यानी कि एट प्लस फोर माइनस एट माइनस फोर यानी कि ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व यानी एफ टू की, की, की वैल्यू क्या आ गई तो जीरो आ गई ठीक है तो सिंस रिमाइंडर जीरो सिंस रिमाइंडर इज जीरो दे बाय फॉर बाई फैक्टर थ्योरम, दे बाय फॉर बाई फैक्टर थ्योरम बाई फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा कि एक्स माइनस टू इज द फैक्टर इज द फैक्टर ऑफ एफेक्ट्स यानी फैक्टर थियोरम से ये सो हो गया कि जो एक्स माइनस टू है वो क्या है तो फैक्टर ऑफ एफेक्ट्स है ठीक है अब देन अब दिन क्या करना हमें आगे क्या करना है तो आगे हमें इस वाले जो एफेक्ट्स आपका दिया गया है इसको फैक्टराइज करना है इसको फैक्टराइज करना है तो आगे हमको फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले इस एफेक्ट्स को डिवाइड करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा एफेक्स को जो आपका दे रखा है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर इसको डिवाइड करना होगा तो पहले जो इसका एक फैक्टर हमें पता है उस फैक्टर से डिवाइड करना होगा एक्स माइनस टू से डिवाइड करना होगा ठीक है तो डिवीज़न का प्रोसेस क्या होता है सबसे पहले हम क्या करेंगे तो एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करेंगे तो जब एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर अब एक्स स्क्वायर से इन दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस प्लस यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर तो अब क्या नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है तो एक्स से थ्री एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है तो क्या बचेगा यहाँ पे प्लस थ्री एक्स जाएगा, minus 6x, minus 6x, तो जाएगा, minus, तो हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स तो ये हो जाएगा प्लस एंड ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा टू एक्स माइनस फोर तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा तो हम एक्स से पहले टू एक्स को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस टू एंड ये हो जाएगा ये टू एक्स माइनस फोर देखिए रिमाइंडर क्या आ गया जीरो अगर आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा मतलब आपने डिवाइड क्या किया है गलत किया है ठीक है तो कभी भी जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें कोशिश करना है कि रिमाइंडर जीरो आए मैंने जीरो का समझिए कि आना ही चाहिए और जीरो नहीं आ रहा मतलब आपने क्या कर रहा है आप डिवाइड गलत कर रहा है ठीक है अगर किसी को डिवाइड करने नहीं आता है तो हमें आप कमेंट करें डिवाइड करने का भी वीडियो एक अलग से बनाया जाएगा आगे क्या होगा तो आगे हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाई एक्स माइनस टू वी गेट वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एज ए कोशेंट एंड रिमाइंडर जीरो एंड रिमाइंडर इक्वल टू जीरो ठीक है तो अब अदर फैक्टर ऑफ एफेक्ट्स फाइंड करने के लिए अदर फैक्टर ऑफ द अदर फैक्टर ऑफ एफेक्ट्स एफेक्ट्स का अदर फैक्टर क्या हो जाएगा तो अफेक्ट्स का अदर फैक्टर हो जाएगा आर द फैक्टर ऑफ आर द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू यानी कि देखिए इसका डिग्री क्या दिया गया है जो आपका क्वेश्चन में एफेक्स दिया गया उसका डिग्री थ्री है यानी इसके तीन फैक्टर आने चाहिए तो पहला फैक्टर तो हमें ऑलरेडी दिया गया था कि एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू ठीक है दो हमें अदर फैक्टर फाइंड करने हैं तो उन दो अदर फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे तो जो क्वेश्चन है उसको फैक्टराइज करेंगे यानी कि दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसमें हम एक्स कॉमन लेंगे आप वन कॉमन ले लेंगे तो एक्स एक्स प्लस टू यहाँ कॉमन हो जाएगा तो प्लस वन कॉमन हो जाएगा एक्स प्लस टू हो जाएगा एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू ठीक है तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर इक्वल टू क्या आ गया तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू ये हो गया इसका सॉल्यूशन ठीक तो है तो ये था क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का सोल्यूशन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन नंबर थर्टीन में दिया गया है कि सो डेट टू एक्स प्लस सेवन सो डेट टू एक्स प्लस सेवन क्या दिया गया कि टू एक्स प्लस सेवन इज़ इज़ द द फैक्टर फैक्टर ऑफ़ ऑफ़ टू एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस फोर्टीन इसका फैक्टर में शो करना है और हिंस क्या करना है तो आगे उसको फैक्टराइज़ यानी कि सेम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या करेंगे तो माइनस सेवन अपॉइंट टू तो एफ माइनस सेवन बाई टू की वैल्यू सबसे पहले फाइंड किया जाएगा तो ये हो जाएगा टू माइनस सेवन अपॉइंट टू का पावर थ्री प्लस फाइव माइनस सेवन अपॉइंट टू का होल स्क्सू और माइनस थ्री फोर थ्री अपॉन एट प्लस फाइव इंटू फोर्टी नाइन बाई फोर माइनस प्लस सेवनटी सेवन बाई टू माइनस फोर्टीन ठीक है टू से तो माइनस थ्री फोर थ्री अपॉन फोर हो जाएगा प्लस फाइव नाइन 45 फोर्टी फाइव फाइव फोर जैसे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर बाई फोर प्लस सेवनटी सेवन अपॉन टू माइनस फोर्टीन एल्शियम क्या हो जाएगा एल्शियम हो जाएगा फोर माइनस थ्री फोर थ्री प्लस टू फोर्टी फाइव प्लस वन फिफ्टी फोर माइनस फिफ्टी सिक्स तो इनको हम आपस में एड कर लेंगे और इन प्लस वालों को आपस में एड करेंगे तो ये हो जाएगा नाइन नाइन ठीक है और इनको जब ऐड करेंगे तो नाइन नाइन थ्री है थ्री नाइन्टी नाइन प्लस में और थ्री नाइन्टी नाइन माइनस में दोनों को सॉल्व करेंगे क्या हुआ जीरो पॉइंट फोर यानी कि ज़ीरो आ गया रिमाइंडर क्या आ गया जीरो आ गया एफ माइनस सेवन बाई टू की वैल्यू क्या आ गई जीरो हेंस टू एक्स प्लस सेवन इज द फैक्टर इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स ठीक है तो अगला प्रोसेस क्या है तो पहले तो हमने जीरो ला चेक कर लिया कि फैक्टर है इसका अब अदर फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा तो सबसे पहले जो एफ एक्स है एफ एक्स क्या है टू एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस फोर्टीन इसको डिवाइड करना होगा किससे टू एक्स प्लस सेवन से तो टू एक्स प्लस सेवन से डिवाइड करना होगा ठीक है तो पहला स्टेप क्या है पहले टू 2X एक्स से टू एक्स क्यूब को डिवाइड किया जाएगा तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर यानी कि टू एक्स क्यूब प्लस फोरटीन एक्स स्क्वायर हो जाएगा सॉरी सेवन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये सेवन इन टू एक्स स्क्वायर सेवन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे जब माइनस सेवन में प्लस फाइव को माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा माइनस इलेवन एक्स माइनस फोर्टीन अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है तो टू एक्स से माइनस टू एक्स करना है तो बचेगा x. 2x 7x. तो प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इलेवन में से हम सेवन को माइनस करेंगे तो माइनस फोर एक्स माइनस फोर्टीन जब इसको डिवाइड किया तो क्या आएगा माइनस टूर माइनस फोर एक्स माइनस फोर्टीन प्लस माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे आंसर क्या आएगा जीरो रिमाइंडर क्या आ गया ज़ीरो इसका मतलब जो हमारा डिवाइड हो क्या है सही है जो हमने डिवाइड किया है वो सही है ठीक है तो अदर फैक्टर ऑफ बाकी बीच का स्टेप आप लिख लीजिएगा सेम लाइक क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कि क्या हम लिखने हमें लिखना होगा कि ऑन डिवाइडिंग दिस बाई दिस वी गेट दिस एज अ क्वेश्चन एंड जीरो एज अ रिमाइंडर तो इसको आप लिख लीजिएगा ठीक है तो अदर फैक्टर अदर फैक्टर ऑफ एफक्ट्स ज द फैक्टर ऑफ इज द फैक्टर ऑफ क्वेश्चन जो क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू जब इसको हम फैक्टराइज़ करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू यानी कि इसमें एक्स कॉमन लेंगे एक्स माइनस टू आएगा यहाँ प्लस वन कॉमन लेंगे एक्स माइनस टू आएगा एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू फेंस क्या हो जाएगा जो आपका इक्वेशन था ये एफेक्स दिया गया था टू एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस फोर्टीन इक्वल टू क्या आ जाएगा तो पहला फैक्टर टू एक्स प्लस सेवन जो कि दिया गया था एक हो जाएगा एक्स प्लस वन और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस टू थैंक यू